गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्ट स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस सेकेंड सेम में चैप्टर नंबर हम करेंगे यूनिट नंबर 6, मुगल एम्पायर एंड गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। इस चैप्टर में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर मुगल साम्राज्य मतलब कि मुगल साम्राज्य के गोल्डन पीरियड के बारे में, मतलब कि बहुत अच्छा जो समय चल रहा था उसके बारे में बात करना है, और इसके डाउनफॉल मतलब कि उसके पतन कैसे हुई थी इस चैप्टर के इस के बारे में बात करना है। इस चैप्टर में हमें जहांगीर हैं, शाहजहां हैं और औरंगजेब के समय में हमारे भारत में उस समय में किस तरह की व्यवस्था थी, मतलब कि सोशल आर्थिक सामाजिक तौर से किस तरह से पीरियड चल रहा था। ओके, इस बारे में हमें इस लाइक चैप्टर में बात करनी है। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, जालू फैमिली वेंट ऑन द टूर और टू दिल्ली। पलक गेव द एल्बम ऑन नेम टेकन ड्यूरिंग द टूर टू हर क्लास टीचर्स, ही शो टू इट द स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर देखो, जालू फैमिली हैं जो दिल्ली गई थी टूर पे। ओके, तो पलक उसमें से कुछ पिक्चर्स बना के उसने मतलब के एल्बम में स्टिक करना, एल्बम हम फोटो करते ना जो एल्बम बनाते हैं। ओके, तो उसने उसी तरह अपनी एक एल्बम बनाई थी, उस समय के टाइम टूर की पिक्चर्स थी सारी और जो उसने अपने क्लास टीचर को दी। ओके, ही शो द टू इट टू द स्टूडेंट्स। वन क्वेश्चन वॉज रिटन अंडर ईच पिक्चर्स। लुकिंग एट द वन ऑफ द पिक्चर्स स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर्स अ क्वेश्चन, व्हाई इज दिस लेडी इन द पिक्चर्स पुलिंग द चेन ऑफ द बेल। क्या बोल रहे हैं कि अभी सारे पिक्चर्स थे उसके नीचे एक एक क्वेश्चंस लिखा हुआ था और क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट ने टीचर को पूछा कि यहाँ पर व्हाई इज द लेडी इन द पिक्चर्स पुलिंग द चेन ऑफ द बेल। अभी यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्यों ये लेडी चेन पिक्चर में चेन को खींच रही है, बेल को, बेल की चेन को खींच रही है। ओके, द टीचर्स आंसर दिस पिक्चर गिव अस अ ग्लिम्पस ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड। वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मुगल रूलर्स टूडे। क्या बोल रहे हैं कि टीचर ने उन्हें आंसर दिया कि उस समय के राजा मुगल एम्पायर के राजा थे जो जहांगीर थे, उनके समय में जस्टिस का यही जस्टिस मतलब ये न्याय की यही सिस्टम थी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी मुगल रूलर के बारे में थोड़ा आज इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्यूटाइल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, जहांगीर असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। इस मुगल किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फार एंड वाइड ड्यूरिंग द हिज पीरियड। अभी क्या बोले कि अकबर के डेट के बाद उनका बहुत ही पावरफुल और महत्वाकांक्षी मुगल डायनेस्टिक में जहांगीर, ओके, अकबर के डेट के बाद उनका बेटा जहांगीर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गादी पे आया। द मुगल किंगडम वॉज द एक्सटेंडेड फार एंड वाइड ड्यूरिंग द पीरियड। अभी इसके इसके बाद में अकबर के अवसान के बाद में उसका पुत्र है जो सलीम है जो जहांगीर नाम धारण करके, मतलब कि यहाँ पर देर वॉज अ पीस इन द स्टेट आफ्टर हिम ड्यूरिंग शाहजहां रीजेंस। मेनी मोमेंट वेयर द बेल्ट मेनी ऑफ दिस वेयर वुल फेमस माउंटमेंट ऑफ द अनपैरेलल्ड मैग्निफिसेंस ड्यूरिंग हिज रीजन्स। द मुगल डायनेस्टी वॉज द स्टेब्लिश लेटर ऑन द ड्यूरिंग औरंगजेब रूल द एम्पायर एक्सटेंडेड बट हिज लीड टू द फेल फॉल ऑफ द एम्पायर टू। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अकबर के
अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अकबर के डेट में उनका बेटा जो बहुत ही पावरफुल था, महत्वाकांक्षी था, वो जहांगीर ने दिल्ली की सत्ता को राजगादी पे बैठा था, तो उसके समय में यहाँ पर राज्य स्टेट में बहुत ही शांति थी और उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किए थे और वो बहुत ही फेमस हुए थे। ओके, और जब मुगल डायनेस्टी में औरंगजेब के आने के बाद में जो बदलाव आया तो वही इसके पतन का कारण बना। ओके, मुगल एम्पायर का पतन का कारण औरंगजेब के बाद माना जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द सम मेजर इंसिडेंट द ऑक्यूर ड्यूरिंग द जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब पीरियड। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस पीरियड चैप्टर में जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब के पीरियड के बारे में। ये लेडी है, देखो यहाँ पर दिस पिक्चर्स में जहांगीर लव फॉर जस्टिस। अभी इसमें क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर है जहांगीर की जस्टिस वाली एक पिक्चर दी गई। यहाँ पर एक लेडी है पुल कर रही है ये बेल को, बेल की चेन को। इसका मतलब है कि जहांगीर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, उसको जस्टिस का नाम बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे कि अपने जरूखे में, जरूखे के पास देखो महल के, अपने जो राजमहल था उसके जरूखे के पास उसने एक बेल लगाया था, उसमें एक चेन भी लगाई थी जो सोने की से बनी हुई थी। ओके, और यहाँ पर जो पीपल्स थी, प्रजा थी, जो उनको न्याय चाहिए होता है तो ये पुल खींच के बेल को बचानी होती है। ओके, इससे हमें राजा तक पहुंचने में आसानी रहती है। मतलब कि जो प्रजा को बहुत परेशानी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से न्याय लेने के लिए वो ये बेल को बचा सकती है। ओके, और इससे जहांगीर को जल्दी से पता चलता है, और इस से हमें पता चलता है कि जहांगीर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर जहांगीर लव फॉर द जस्टिस के, जहांगीर को लव था जस्टिस से। ओके, लव फॉर अ जस्टिस मतलब कि न्यायप्रिय राजा था। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, इतना आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट स्टेशन पर चलते हैं हम। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर है जो मुगल एम्पायर में जहांगीर की बहुत ही अच्छी पोजीशन रही थी। ओके, जो उनके गोल्डन एज चल रहा था उनके समय में था, जो बहुत ही गोल्डन एज जिसे सुवर्ण युग जिसे माना जाता था। ओके, ना जहांगीर की 60 05, ओके 1605 और 60 to 26। तो यहाँ पर है आफ्टर द डिमाइज अकबर हिज सन सलीम अस्यूम द नेम ऑफ द जहांगीर कॉन्क्योर ऑफ द वर्ल्ड एंड असेंडेड द थ्रोन इज द 60 05 CE। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों के, देखो अकबर के बाद में उसका बेटा, ओके जहांगीर सॉरी बच्चों, उसका बेटा है सलीम जो जहांगीर का नाम धारण करके दिल्ली की गादी पे बैठा था। ओके, जहांगीर का नाम धारण करके दिल्ली की गादी पे बैठा था। जहांगीर मतलब कि देखो यहाँ पर कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि दुनिया को जीतने वाला। ओके, दुनिया को जीतने वाला मतलब कि जहांगीर, जहांगीर का नाम धारण करके वो दिल्ली की गादी पे बैठा था। फिर खुसरू प्रिंस खुसरू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम द एंड सो जहांगीर इम्प्रेस्ड हिम। ओके, इम्प्रेस्ड हिम, अभी यहाँ पर शाहजहां है, खुसरू है जो जहांगीर से लड़ने लगा था। ओके, बंट पुकार मतलब कि अगेंस्ट हो गया था, रिवोल्ट लेने लगा था, तो इसलिए जहांगीर ने उसे क्या किया था, कैद में डाल दिया था। ओके, जहांगीर एस्यूड स्कीम सिख गुरु अर्जुन सिंह ऑफ द हेल्पिंग खुसरूस एंड सो सेंटेंस इन द डेथ। अभी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जहांगीर को ऐसा लग रहा था कि एक सिख गुरु है जो अर्जुन सिंह नाम है उनका, अर्जुन सिंह है जो उसने प्रिंस खुसरू की प्रिंस खुसरू की हेल्प की थी, तो उनको भी उन्होंने जहांगीर ने क्या हुआ, डेथ डेथ की सजा दे दी। ओके, जिनका वध करवा दिया था, डेथ दे दी थी उनको। ओके, तो नाउ ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन्स हॉकिंग एंड द थॉमस रो विजिट इंडिया द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग ऑफ द
England and the sought permission to trade in India. क्या बोले कि during the जहांगीर, जहांगीर के समय में हमारे देश में विदेशी मेहमान, मतलब कि हॉकिंग्स एंड सर थॉमस श्रो विजिट पे आए थे. ओके, उन्होंने जहांगीर से यहाँ पर भारत में ट्रेडिंग मतलब कि व्यापार करने के लिए यहाँ पर परमिशन मांगी थी. ओके, तो जहांगीर वाइफ नूरजहां, समझ में, जहांगीर के समय में हॉकिंग्स एंड थॉमस रो रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे, इंग्लैंड के राजा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे, और उन्होंने जहांगीर के पास से यहाँ पर हमारे भारत में व्यापार करने के लिए, मतलब कि ट्रेड के लिए परमिशन मांगी थी. जहांगीर वाइफ, अभी जहांगीर की वाइफ के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर. जहांगीर वाइफ नूरजहां वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस. अभी जहांगीर की वाइफ भी, जहांगीर तो ऐसे ही अच्छे थे राजा, बट उनकी वाइफ भी उनकी तरह ही बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड महत्वाकांक्षी, मतलब कि एम्बिशंस, बहुत ही महत्वाकांक्षा, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखती थी. ओके, तो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द एम्पायर वॉज हैंडल बाय हर. अभी जहांगीर का जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, वो भी अभी महत्वाकांक्षी एम्बिशन लेडी थी. ओके, तो उन्होंने भी क्या किया कि मुगल एम्पायर में थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव का काम था जो वो हैंडल करती थी. ओके, फिर नेक्स्ट है जहांगीर के बाद में यहाँ पर है शाहजहां. ओके बच्चों, नाउ आई होप आप जहांगीर के बारे में अच्छे से लर्न कर लेना. ओके, समझ लेना. अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे इसमें आप पूछ सकते हो. ओके, नाउ चलो, नाउ नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां. शाहजहां को हम 1627 से, जहांगीर के बाद में कौन आया था, शाहजहां. ओके, 1627 to 1658 तक. ओके, शाहजहां बिलीव्ड दैट एग्रीकल्चर एंड फंडामेंटल टू दिस प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशंस, सो गेव द प्राइमरी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यूड विद द अकबर्स लैंड रिवेन्यू सिस्टम, द अपॉइंट हॉनेस्ट एंड हाउ वर्किंग ऑफिसर्स. अभी ये शाहजहां किस में बिलीव करता था, एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर को उसने प्राथमिकता देने लगी, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन. भारत का राज्य है जो एग्रीकल्चर में, कृषि पे आधारित होता है. ओके, हमारे अभी भी के समय में भी हम कृषि को बहुत ही महत्व देते हैं. ओके, तो नाउ इस तरह से उस टाइम भी शाहजहां ऐसे ही मानते थे कि एग्रीकल्चर को प्राइम महत्व देना चाहिए, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अकबर के रेवेन्यू सिस्टम दाखिल की थी, और उसने हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था. शाहजहां एस्टैब्लिश द न्यू सिटी नियर द दिल्ली, नेम इज शाहजहांबाद. देखो यहाँ पर शाहजहां ने कौन सी न्यू सिटी को एस्टैब्लिश की थी दिल्ली के पास में, उसका नाम था शाहजहांबाद. ओके, शाहजहांबाद. ओके, उन्होंने ये भव्य सिटी बनवाई थी. ओके, ही कंस्ट्रक्ट मेनी ग्रांड बिल्डिंग देयर. अभी उसमें यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी भव्य इमारतें भी बनवाई थी. ओके, अंडरस्टैंड बच्चों इतना. इन कंपेरिजन टू अदर्स, द मुगल एम्पायर इनकम एंड रेवेन्यू वॉज मोर ड्यूरिंग शाहजहां रीजन्स. अभी दूसरे राजाओं के मुगल एम्पायर में, दूसरे राजाओं से मुकाबले शाहजहां के समय में बहुत ही राज्य की आवक हो रही थी, मतलब कि इंक्रीज हुई थी रेवेन्यू सिस्टम. ओके, इनकम में इंक्रीज हुई थी. ओके, शाहजहां कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फेमस मोनूमेंट लाइक द ताजमहल, दीवान आम एंड दीवान खास इन द रेड फोर्ट, रंग महल एंड मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ द दिल्ली एक्सेट्रा. अभी क्या बोले कि शाहजहां ने बहुत सारे फेमस मोनूमेंट्स बनवाए थे, लाइक ताजमहल. देखो ताजमहल बहुत ही फेमस है. ओके, दुनिया की 7 अजायब में से एक है. ओके, जो किसने बनवाया था, शाहजहां ने. ओके, तो
और है नेक्स्ट दीवाने आम है, दीवाने खास है और रेड फोर्स। ओके, दिल्ली का लाल किला तो आपने देखा ही है, पढ़ा ही है, न्यूज़पेपर में भी देखती हूँ, आप सुनते हो, रेड फोर्ट है, फिर वहाँ पर रंग महल है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है जो बहुत ही फेमस है। ओके, और नाउ ये सारा वर्क शाहजहाँ ने करवाया था, इसलिए उन्हें उन्हें मतलब कि उन्हें ओके अभी यहाँ बच्चों आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर शाहजहाँ एंड देयर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि शाहजहाँ के बारे में थोड़ा लिखना है और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है, तो ये सारा आपको याद रखना है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट देखते हैं औरंगज़ेब। अभी शाहजहाँ के बाद कौन आया था बच्चों दिल्ली की गादी पे? औरंगज़ेब। यहाँ पर 1658 to 1707 तक। ओके, नाउ यहाँ पर औरंगज़ेब मेमोरीज वॉज एक्सट्रीमली शार्प। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि औरंगज़ेब की मेमोरी मतलब कि याद शक्ति बहुत ही पावरफुल थी। ही वॉज वेल वर्स इन द अरेबिक एंड पर्शियंस लैंग्वेज एंड हैड स्टडी इन कुरान शरीफ इन डिटेल्स। यहाँ पर देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि औरंगज़ेब की याद शक्ति तो पावरफुल थी, बट उसने अरबी और पारसी भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया था, ये दोनों भाषा में वो विद्वान था। ओके, एंड ही स्टडी द कुरान शरीफ इन डिटेल्स, उसने एक कुरान शरीफ को भी डिटेल्स में स्टडी किया था। औरंगज़ेब डिसलाइक द आर्ट म्यूजिक एंड पेंटिंग, औरंगज़ेब को आर्ट है, म्यूजिक है, पेंटिंग पसंद नहीं था। वीर दुर्गादास वॉन्ग टू पोरोग्लैंड एफार द औरंगज़ेब फॉर द 25 years इन द ऑर्डर टू फ्री मारवाड़। अभी यहाँ पर दुर्गादास है, वीर दुर्गादास है जो मारवाड़ को फ्री करवाने के लिए 25 years तक औरंगज़ेब से लड़ता रहा। औरंगज़ेब द ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट द सिया स्टेट द बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द साउथ फॉर द 25 years। अभी यहाँ पर गोलकोंडा है और बीजापुर एंड गोलकोंडा में भी 25 years तक फाइट करते रहे थे। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं औरंगज़ेब में बच्चों की, औरंगज़ेब बहुत ही तीव्र याद शक्ति वाला बहुत ही राजा था, वो दो भाषा अरेबिक एंड फारसी लैंग्वेज भी जानता था, उसने कुरान शरीफ भी डिटेल्स में पढ़ी थी और उसको म्यूजिक है, आर्ट है, पेंटिंग कभी भी पसंद नहीं था। और यहाँ पर मारवाड़ है जो दुर्गा मारवाड़ में और ऊपर मतलब कि हमारे उत्तर भारत में वीर दुर्गादास थे जो मारवाड़ को फ्री कराने के लिए 25 साल तक औरंगज़ेब से लड़ता रहा। और फिर साउथ में देखो यहाँ पर साउथ इन इंडिया है द कंट्री। ओके, यहाँ पर साउथ में है जो यहाँ पर सिया ओके मतलब कि सियापंथी जो मुसलमान शासक थे उनके साथ भी बीजापुर में और गोवलकोंडा में 25 years तक लड़ते रहे। ओके, इन महाराष्ट्र शिवाजी एस्टेब्लिश द मराठा किंगडम इन द साउथ इंडिया एंड द हेड कंट्रक्ट द कॉन्फ्यूशियंट विद द औरंगज़ेब। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में जो शिवाजी थे उनके मराठा किंगडम में भी उनके साथ मराठा राज्य की बहुत ही स्थापना हुई थी। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी थे जो महाराष्ट्र में थे, मराठा राज्य की स्थापना की थी। ओके, उन्होंने औरंगज़ेब के साथ में भी बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी। ओके, सतत थी, उन्होंने कॉन्फिडेंटली लड़ते रहे। द जाट एंड सिख टू रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगज़ेब। अभी यहाँ पर मराठा भी तो थे ही, पर उनके साथ साथ जाट थे, सिख थे, जो भी औरंगज़ेब के सामने बैंड पुकारते रहे, मतलब कि अगेंस्ट रिवोल्ट युद्ध करना, मतलब कि सत्य लड़ते रहना। ओके, तो उन्होंने भी जाट समुदाय था, सिख समुदाय भी लड़ते रहा था औरंगज़ेब के सामने। ओके, नेक्स्ट है देखें बच्चे, नेक्स्ट आफ्टर द नोविंग अबाउट सम द इंसिडेंट द ऑक्यूरेट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर।
शाहजहाँ एंड औरंगजेब। नाउ लेट अस लर्न अबाउट देयर सोशल लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर है औरंगजेब के बारे में ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर उनके अभी सोशल लाइफ के बारे में स्टार्ट हो रहा है। ओके, उनके समय में जो सोशल लाइफ थी उनके बारे में स्टार्ट हो रहा है, तो ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, अभी तक आप, आज के लिए आप जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, औरंगजेब, ये तीनों की शॉर्टकट आप इसमें से, बुक में से, टेक्स्ट बुक में से देख के लर्न करना है। ओके, नाउ टेक केयर, सी यू अगेन।